एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं गणेश जी की आरती में। तो आज उनकी महाआरती है और कल होने वाला है विसर्जन। तो हम लोग आज विजिट करने वाले हैं गणपति बप्पा जी के वहाँ। तो अभी सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होने वाले हैं। आप लोग वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। और फिलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो आपको लेके चलती हूँ वहाँ पर और वहाँ का सीन दिखाती हूँ। बहुत सारा मज़ा आने वाला है, स्टे ट्यून गाइस। कर रही हूँ मैं तुमसे, ठीक है? हाँ, अच्छी लग रही हो। अब उसके बाद से तो व्यूअर्स देख के बताएंगे तुम कैसी लग रही हो, ठीक है? प्रीति, ये है निधि, से हाय। दीपा, सीमा। तो अब मैंने अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ पंडाल का डेकोरेशन। ये है यहाँ का डेकोरेशन और ये है हमारे गणपति जी, जो कि इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। ओ, तुम सामने हटो। गणपति जी को दर्शन करने दो। सबको सबको दिखने चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए। आरती से थोड़ी देर पहले इनका पूरे अच्छे तरीके से श्रृंगार किया जाता है गणपति जी का। तो ये आया था इतना बड़ा सा माला, जो कि इन्हें पहनाया जा रहा था। यहाँ पे सब तीन चार लोग मिलकर के पहना रहे थे, क्योंकि मूर्ति की टेक केयर भी करनी पड़ती है कि कुछ ना गिरे ना टूटे ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको अच्छे से पहनाया जाता है। और इतने प्यारे गणपति जी लगते हैं सजने के बाद ना, आप लास्ट तक देखना वीडियो, इतनी प्यारी आपको लगेंगे, इतने प्यारे लगेंगे ना कि आप भी सोचोगे कि मतलब अच्छा हुआ मैंने ये वीडियो देख लिया। अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे दिए जला रहे हैं, तो कुछ लोग माला पहना रहे हैं। अब माला भी दो तरीके से पहनाई जा रही है, एक तो नोटों की माला है और एक फूलों की माला है। तो फूलों की माला इन लोगों ने पहले ही चढ़ा रखी थी, तो अब दोबारा इन्हें जो पहना रहे थे वो नोटों की माला थी। तो नोटों की माला को अब छुपाने के लिए, क्योंकि फूल के माला जो थे वो ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो वो उसको ऊपर करने के पीछे ये इतनी सारी मशक्क़त हो रही थी। तो अभी ये नोटों की माला को जैसे तैसे करके फिर नीचे करेंगे, फिर फूलों की माला को ऊपर करेंगे। यही करने की मशक्क़त के बाद यहाँ पे इनसे तो नहीं होता है। फिर दूसरे भैया जाते हैं, वो इस नोट की माला को जो है वो नीचे करते हैं, फिर फूलों वाली जो माला होती है उसको ऊपर की तरफ करते हैं और ठीक करते हैं। फिर यहाँ पर हम सब रेडी हैं पंडाल में जाने के लिए। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें, क्योंकि एक साल तक इंतज़ार करने के बाद ही वाला टाइम आता है। और मैं यहाँ पे दूसरी बार इस बार विज़िट की हूँ। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे आई थी। तो ये मेरे ऑफिस के ही भैया हैं जिनके वहाँ पे ये गणेश उत्सव होता है। वो लोग गणेश जी की मूर्ति ला के रखते हैं और इतना अच्छे से मनाते हैं। वो लोग बिलोंग करते हैं साउथ से, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं गणेश जी की। तो हम लोग को भी देख के बहुत ही अच्छा लगता है, इस वजह से लास्ट टाइम भी मैं गई थी और इस बार भी गई हूँ। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी दिखाया जाए कि कैसे कैसे यहाँ पे ये लोग पूजा कर रहे हैं। और बहुत ही प्यारा करते हैं, इतना अच्छा लगता है ना, मतलब जितनी देर आरती होती है, जितना देर उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो टाइम यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा था बहुत सारे गणपति जी का विसर्जन भी ये लोग कर रहे थे। यहाँ पे लेके जा रहे थे जो अलग अलग जगहों पे रखे हुए थे, वो लोग अपना विसर्जित करने के लिए यहाँ पे गणपति जी को लेके जा रहे थे। बट अभी तो हम आज महाआरती में आए हुए थे। आज का जो दिन था वो अनंत चतुर्दशी का दिन था। तो ऑफिस के बाद हम वहाँ से वहाँ के लिए निकले थे आरती के लिए। और इतनी इधर बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी, आप लोग देख ही रहे हो कि कितना सुंदर लग रहा है अब सब कुछ। बिल्कुल जब हम आए थे तो बिल्कुल ही ब्लैंक था, अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन आने के बाद सारी डेकोरेशन होने लगी और धीरे धीरे करके इतनी सारी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जब तक आरती होना स्टार्ट होगा तब तक तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि बिल्कुल जगह ही नहीं रहेगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको गणपति जी कैसे लग रहे हैं।
और अब हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आरती का समय हो रहा है और अब आरती होने वाली है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे बच्चे भी इकट्ठे हो गए थे और भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, तो हमने यहाँ पे चुन्नी उन्नी से सर ढका और आरती स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ पे आरती गा रहे थे, और क्योंकि मैं आरती आप सबको यहाँ पे सुना नहीं सकती, जो ट्यून्स हैं जो गाने थे, क्योंकि उसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आप सबको आरती सुनाती। जो वहाँ की एक्चुअल वाइब थी वो इसमें कैप्चर नहीं हो पा रही है, मुझे अलग से इसमें अपने वॉइस के साथ आप सबको ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं, और उसका सिर्फ यही रीज़न है कि यूट्यूब के कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ रहे हैं। मैं उस टाइम की जो एक्चुअल वाइब थी, जो आवाज़ें थी, वो मैं आपको नहीं सुना पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। बट अभी आप मेरी आवाज़ के साथ ही काम चलाना, और कमेंट में बता भी देना यार कि ठीक है या नहीं। फिलहाल तो आप आरती के दर्शन कर लो, जिन लोगों ने गणपति जी के दर्शन नहीं किए वो मेरी इस वीडियो के थ्रू कर लो, और जिन लोगों ने कर लिए हैं वो दोबारा से कर ले, क्योंकि जितना भी दर्शन कर ले हम अच्छा ही है हमारे लिए। तो हम सब यहाँ के इस अच्छे से मोमेंट का मज़ा लेते हुए, क्योंकि ये जो मोमेंट आता है वो बहुत ही रेयर आता है, साल में एक से दो बार हम ऐसा कुछ सेलिब्रेट करने जा पाते हैं। यहाँ महाआरती शुरू हो चुकी थी, और धीरे धीरे करके आप भीड़ तो देख ही रहे हो कि कितने चारों तरफ से लोग भर चुके हैं, और यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे वो हमें ऐसे आकर के टीका लगा रहे थे, सिंदूर और चंदन का, सॉरी कुमकुम और चंदन का टीका लगा रहे थे। और यहाँ पे आरती भी सब लोग फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वन बाय वन करके सब लोग आरती लिए, और इधर दूसरी तरफ से पटाखे भी जलने लगे थे, बहुत सारी मस्तियाँ भी होने लगी थी, बहुत मज़ा आया। और बस भगवान जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, हम सब पे बनाए रखे। आप मेरी वीडियो लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।